और मेरी एक दो कर्ली गर्ल है व्यूअर्स जो मुझे पूछ रही थी कि आपके कर्ल्स इतने होल्ड क्यों, मतलब इतने टाइम तक होल्ड क्यों रहते हैं। ठीक है, तो मैं पूरी, मैं हो सके तो सीजी प्रूफ शैम्पू यूज करो, इसमें तो मतलब गूंचे बहुत हो जाती होगी बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको कॉम करना ही नहीं है, ठीक है? अगर आप कॉम करोगे तो ऑब्वियसली वो ऐसे कर्ल्स सारे आपके। प्रिटी गर्ल वॉक लाइक दिस, दाल फ्राई उसकी फेवरेट है, मकबत मेरे फेवरेट है। प्रसादी मिली इस बिल्डिंग में, किसी ने ना कार ली थी। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो आज है 15 जून, और मेरी एक दो कर्ली गर्ल है व्यूअर्स जो मुझे पूछ रही थी कि आपके कर्ल्स इतने होल्ड क्यों, मतलब इतने टाइम तक होल्ड क्यों रहते हैं। ठीक है, तो मैं पूरी मेथड आपको अभी सीख मतलब बताऊंगी, जो मेरी कर्ली गर्ल्स लड़कियां हैं कि कर्ल्स नेचुरली कैसे रहते हैं। अभी मेरे ये थोड़े से वेट है, मैं अभी आई हूँ। मैं शैम्पू आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा यूज करती हूँ। ये है शैम्पू और कंडीशनर, मेरे पास अभी पाउच है, डब्बे खाली हो गए, गुजरात में मैंने ले लिए थे, तो यही है मेरे पास अभी। तो मैं ये वाले शैम्पू यूज करती हूँ, लोरियल पेरिस के रेड कलर के। ठीक है, और मैं जैसे हेयर वॉश करके आई, और आपको मतलब कर्ली हेयर हो या फिर आपके स्ट्रेट हेयर हो, कोई भी टाइप के हेयर हो, हेयर में माइक्रोफाइबर टॉवल यूज होना चाहिए। और माइक्रोफाइबर टॉवल यूज करने का क्या है कि मतलब आपका वो हेयर को वो डैमेज नहीं करते, और जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो सोक कर लेता है। ठीक है, आपको सिर्फ ऐसे ही करना है। ठीक है, मतलब जो कर्ली गर्ल्स है उसको ऐसे करना है, बाकी तो आप ऐसे भी कर सकते हो जिसके स्ट्रेट हेयर है। बट कर्ली गर्ल लड़कियां है, आप धोके आए हेयर, फिर आपने कॉम कर दिया। ठीक है, एक बार जो बड़े बड़े दांते वाला जो कॉम आता है उससे आपने कर लिया, ठीक है, टैंगल्स निकाल दिए, फिर ऐसे ही रख दो, और ऐसे टॉवल लेके ऐसे क्रंच करो अपने हेयर को। ठीक है, और बस ऐसे ही रख दो। आपके पास डिफ्यूजर है तो आप यूज कर सकते हो डिफ्यूजर, और स्टाइलिंग क्रीम भी आती है, बट मेरे बाल नेचुरली ऐसे है कि मैं स्क्रंच करके रख देती हूँ तो वो ऐसे ही हो जाते हैं। अभी थोड़े गीले हैं इसलिए इतने बाउंस ही नहीं हो रहे, बट मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि वो बाउंस ही हो जाएंगे। फिर आपको कॉम करना ही नहीं है, ठीक है? अगर आप कॉम करोगे तो ऑब्वियसली वो ऐसे कर्ल्स सारे आपके खुल जाएंगे और ऐसे हो जाएंगे फ्रीजी हेयर। ठीक है, क्योंकि सभी की हेयर कर्ली हेयर अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो या तो मैं बस ऐसे ही करती हूँ, बस अभी मैं छोड़ दूंगी, अभी मैं कॉम ही नहीं करने वाली हूँ, इसे मैं ऐसे ही रखती हूँ। मुझे कहीं जाना है तो मैं मेरी फिंगर ही यूज करूंगी, नो कॉम। कर्ली हेयर का कॉम दुश्मन है। ठीक है, जब आप हेयर वॉश करके आओ तो भी कॉम यूज करो, उसके बाद नहीं, फिर आपकी फिंगर ही यूज करो। ठीक है, तो बस मैं यही करती हूँ, और मैं रेगुलरली ऑयल भी करती हूँ, मतलब ट्वाइस डे, 2 दिन में एक बार मैं कर ही लेती हूँ। तो बस मेरा यही है राज मेरे कर्ली हेयर का। बट इसको मैनेज करना मतलब ऐसा है कि मुश्किल नहीं है इतना, कि सबको ऐसा लगता है वो इसमें तो मतलब गूंचे बहुत हो जाती होगी, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो या बट हो सके तो सीजी प्रूफ शैम्पू यूज करो, ये सीजी प्रूफ शैम्पू नहीं है। ठीक है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्राई करूँ, मुझे मुझे ट्राई करना है सीजी प्रूफ की, कर्ली हेयर के लिए सीजी प्रूफ ही चाहिए शैम्पू, तो मैं वो यूज जल्दी से जल्दी करूंगी, और फिर मैं आपको रिव्यू दे दूंगी। ठीक है, और अभी हम लोग जाएंगे कॉफी लेने, दूध लेने के लिए, कॉफी पीनी है मुझे, फिर आज मुझे जल्दी से खाना बनाना है, तो मैं खाना बना दूंगी। आपको बता दूं कि मैं कब से उठ गई हूं, और सारा कुछ वर्कआउट और सब कुछ हो गया है। चलो, आज का बस यही है ज्ञान मेरा कि कर्ली हेयर को कैसे मतलब ऐसे कर्ल होल्ड हो जाए। तो मतलब एक दो मेरी लड़कियां हैं जो कर्ली हेयर वाली, वो मुझे पूछ रही थी तो मैंने उसको बोल दिया।
ओके गर्ल्स, देखो मेरे हेयर अभी ये एकदम ड्राई हो गए। तो ऐसे हो जाते हैं फिर ड्राई होने के बाद। और ये लव बाइट्स नहीं है गर्ल्स, अगर आप सोच के ऐसे लव बाइट तो नहीं है। इधर मुझे कुछ काट के गया है, 3-4 दिन हो गए। देखो दर्द भी हो रहा है मुझे, ऐसे छूती हूँ तो, और खुजली हो रही है उधर। सो लव बाइट नहीं है। आप लोगों को पता है मैं अभी तक दूध लेने के लिए नहीं गई हूँ, और 12 बज गए हैं। मैं थंबनेल बना रही थी आज के वीडियो का, मतलब अभी जो 1 बजे आएगा अभी वो उसका। नीलेश ने बोला जल्दी खाना बना देना, मारो चकलो घरे हुए, એટલે મને કઈ એ કામ કરવા દીએ ના કરવા દીએ એ કઈ કામ, મને ખાવું ખાવું એનું ખાવાનું ઊભું જ હોય ઉસકા ખાના, મતલબ ઉસકો મેને અગર કુછ કામ ભી નહીં કિયા ના ચલેગા ઘર કા, બટ ઉસકો ટાઈમ પે ખાના ચાહિયે। तो मैं थोड़ी बहुत तैयारी करके फिर जाऊंगी। मेरे पास दो चॉइस है, ये वाली उंगली मग भात, ये वाली उंगली दाल फ्राई जीरा राइस। ठीक है, नीलेश कौन सी चूज करता है देखते हैं। मग भात मग भात मेरा फेवरेट, चलो मग भात ही करते हैं। उसको पता ही होता है मैं ऐसे दो उंगली लेके जाती हूँ ना क्या खाना बनाना है वो चूज करने के लिए बना हर बार, मतलब मैं उसको ऐसे देती हूँ उंगलियाँ, एक चूज करो, वो जो भी चूज करता है फिर मैं वो बनाती हूँ। क्योंकि दाल फ्राई उसकी फेवरेट है, मग भात मेरे फेवरेट है। आज हेयर कलर आने वाला है तो मैं बहुत ही जल्द हेयर कलर करने वाली हूँ घर पे आपके सामने। अच्छा ही लगेगा, मुझे सारे हेयर कलर बहुत अच्छे लगते हैं मेरे हेयर में। कोई महापुरुष ने बोला है कि खुद की तारीफ खुद को नहीं करनी चाहिए, ऐसे मतलब क्या कर सकते हैं। आप लोग तो कमेंट करके कुछ बोलते नहीं हो या फिर तो करते नहीं हो मेरी तारीफ, तो मुझे करनी पड़ती है ना। और एक बात, मैंने कब से वो कम्युनिटी टैब में वो डाला है कि क्वेश्चन पूछो मेरे और नीलेश के बारे में, अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है। सिर्फ 2 लोगों ने ही कमेंट किए, आप लोगों को नहीं जानना है मेरे बारे में सब कुछ। आपको ऐसे मतलब रिलेटिव्स को वगैरह को ऐसे ऐसा होता होगा कि ओ मैं तो इसके बारे में कुछ सब पता है, मैं जो बताती हूँ मैं जो दिखाती हूँ वो आप सब लोगों को पता है। ठीक है, तो आप पूछ सकते हो कोई भी, तो जल्दी से वहाँ पे जाओ और पूछो सवाल कम्युनिटी टैब में। पहले मेरे फीड में जाओ फिर कम्युनिटी टैब देखो। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें जाओ और उसमें सारी लाइन में एक लाइन में होगा शॉर्ट्स, उसके बाद दूसरा कुछ है अबाउट या फिर कुछ ऐसा होता है, उसके बाद जो में कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी में जाओ और उसमें मैंने इतना बड़ा फकरा लिखा है आप लोगों के बारे में कि पूछो मुझे सवाल, जाओ और सवाल पूछो उसमें, जाओ कमेंट में सवाल लिखो कि मतलब जो कुछ भी पूछना है आपको। ओके, मैं दूध लेने के लिए जा रही हूँ अभी। गंदा लग रहा है यार, pretty girl walk like this. कोई देख तो नहीं रहा है मुझे। मेरी प्यारी धन्नो आ गया हमारा दूध। कॉफी तो मेरी होने से रही, अभी मैं ये फ्रिज में रख देती हूँ, शाम को पियेंगे कॉफी। अभी खाना बना लेते हैं और एप्पल खा लेते हैं। मस्त है। अब
अभी मेरे राइस मस्त डांस कर रहे हैं और मग तो हो गए ऑलमोस्ट। अभी मैं छोका लगा दूंगी इसमें। देखा तुम्हारे बिना मुझे दोपहर में खाना मतलब अच्छा भी नहीं लगता है। अकेले खाने में याद आती है तुम्हारे, तुम्हें अच्छा लगता है? अच्छा लगता है दीका, आई हेट यू। चलो मेरा फेवरेट खाना। हेलो हेलो, मैं सो गई थी यार, और इतना सोई नीलेश ने मुझे उठाया ही नहीं। शिट, तो मैं अभी चाय बना रही हूँ। मैं कुछ 5 बजे सो गई थी, बट मुझे सोना नहीं था बिल्कुल भी, बट लड़के हमें थोड़ी ना उठाएंगे या फिर सो गए हैं तो। नीलेश ने सोने दिया मुझे, अभी 7 बज रहे हैं। अभी कॉफी पियेंगे। आज 15 जून है ना, यहाँ पे भी वेदर चेंज हो गया है अच्छा खासा। मैं ना सब कुछ काम करके टाइम पास कर रही थी फोन में, और थोड़ा बहुत एडिटिंग कर रही थी मैं, बट मुझे सोना नहीं था क्योंकि मुझे दोपहर को इतनी अच्छी नींद नहीं आती कभी भी, मतलब कुछ ना कुछ फालतू सपने आते हैं मुझे, इसलिए मैं नहीं सोती दोपहर। गुजरातियों को कॉफी और चाय के साथ सूखा नाश्ता मिल जाए ना तो हमको खाने का भी नहीं पड़ता, मतलब खाना ना हो तो भी चलता है, बट मैं नहीं खाती सूखा नाश्ता और भारतीय चीजें जितना हो सके नहीं खाती। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अरे किधर से गिरा यार, देखो बाहर यहां से दिख रहा है विंडोज। मुझे अभी घर पे कॉल करना है, क्या हाल चाल है? मुझे अभी घर पे कॉल करना है, क्या 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 हाल चाल है वहां? अच्छा ओके ओके, मैंने अभी नई सीरीज स्टार्ट की है जो मैंने अधूरी रखी थी। नायका का पार्सल, इसमें शायद आया है मेरा हेयर कलर, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, तो अभी अनबॉक्सिंग करते हैं।
गौर से देख लो ये हेयर कलर को, ये वाला कलर करने वाली हूँ, बट पूरे हेयर में नहीं करने वाली, थोड़े थोड़े स्ट्रिक्स। कोई कोई गालियाँ देगा कि अरे ये क्यों कलर करवा रही हो, कोई कोई खुश होगा कि ठीक है करो करो, बट हमें जो मज़ा आए ना हमें वही करना चाहिए। लाइफ में सब कुछ ट्राई कर लेना चाहिए, बहुत कुछ आया है इसमें। कंडीशनर बाजरे का आटा खत्म हो गया है तो मैं वो पिसाने जा रही हूँ अभी। गुजराती से बाजरा ना रोटला भी ना नवाले। मुझे फिर से घर पे आना पड़ा क्योंकि गुरुवार मैं भूल गई थी और बंद रहता है जो आटे पीसने वाला है वो। और ये स्पॉट में नीचे गई तो मुझे प्रसादी मिली। इस बिल्डिंग में किसी ने ना कार ली थी, कार ली है किया की, क्या मस्त कार थी। तो मैं वहां पे मतलब वो सबको दे रहा था प्रसादी, मस्त है। मुझे बाय द वे मुझे कार्स बहुत ही पसंद है, लाइक लग्जूरियस कार, मैं दीवानी हूँ उसकी। लग्जूरियस कार थोड़ा सा नीलेश के लिए रख देती हूँ। मेरे वॉलपेपर में भी कार ही है फोन के, जो मेरी फेवरेट वाली है वो। हेलो, तो अभी 11 बज रहे हैं रात के और आज मैं बहुत ही डीमोटिवेट फील कर रही हूँ, आई डोंट नो। सो गाइस मुझे ये बताना आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं कि नहीं, ऑनेस्टली बताना वीडियो में, क्योंकि मैं मतलब थोड़ी इनसिक्योर हूँ। लाइक आपको मतलब मेरे व्यूअर्स को वीडियो अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, या फिर आई डोंट नो, पता नहीं ऐसे थॉट मेरे दिमाग में कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं वो भी मुझे पता है, बट वो मैं आपको आराम से बात करूँगी। बट एनीवे गर्ल्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो नए मेरे चैनल पे आ रहे हो आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।